डिजिटल इंडिया के तहत सभी डाकघरों को आधुनिक कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड पद्धति CSI से जोड़ा गया है, जिसका शुभारंभ भी 17 जुलाई को कर दिया गया है। लेकिन इस सिस्टम को लगाने और लगाने के बाद पूरे एक हफ्ते का समय बीत गया है, लेकिन सभी डाक विभाग से कोई रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। साथ ही तमाम तरह की दिक्कतें विभाग में जाने वाले उपभोक्ताओं और जनता को उठानी पड़ रही है। वहीं नगर के क्षेत्र के डाकघर में रजिस्ट्री करने डाक विभाग पहुंचे श्याम मनोहर राम ने बताया कि वह रजिस्टर करने के लिए आए हैं, लेकिन यहां का सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। वहीं भूपेंद्र ने बताया कि जानकारी करने पर मालूम चला कि डाक विभाग में कोर सिस्टम लगाया गया है, सिस्टम का अभी पासवर्ड नहीं आया है, जिस कारण से काम धाम बंद है। रजिस्ट्री करने आए हैं? नहीं, सिस्टम चल रहा है, 2 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं। इससे अधिकारी से बात किए हैं? नहीं साहब, बात तो नहीं किए हैं, अभी हम लोग इस तरह से खड़े हैं, करें मशीन गड़बड़ रहती है, वो सभी लोग पड़े हुए हैं 1-1.5 घंटे से। मामला ये कोर सिस्टम हुआ है, कोर बैंकिंग, तो अभी इन लोगों का पासवर्ड जो है आया नहीं, इसलिए काम नहीं चल रहा है। कब से नहीं चल रहा है? ये कल इसका उद्घाटन हुआ और कल से आज तक अभी आया नहीं है। जो इन लोगों का सिस्टम में पासवर्ड होता है, जब पासवर्ड आएगा तभी काम चालू हो सकता है, हो सकता है कल या परसों में चालू हो। तो उससे पहले से भी मतलब यहाँ दिक्कतें आ रही थी लोग? नहीं, वो यहाँ नोटिस लगी थी 14 से कि 18 तक जो है कोर बैंकिंग हो रहा है, इसलिए बंद रहेगा। ये जो नया सिस्टम लोड हुआ है, इसके अंदर जो है कि कुछ पासवर्ड हमें दिए गए कार करने के लिए जो खुल नहीं रहे हैं, इसके लिए हमने जो है ऊपर वालों को बता दिया है, वहाँ से टीम आ रही है। कल भी कोशिश की गई थी मगर वो सेट नहीं हो पाए। ये परसों उद्घाटन इसका हुआ था, परसों से बंद है, अभी परसों लोड हुआ था। नहीं, इससे पहले तो बीच में जो है कि इसको लोड करने के लिए बंद किया गया था, और ये पूरे जो है कि डिवीजन का बंद हुआ है।